Hello everyone, welcome to Social Friend. आज मैं सी लैंग्वेज का सेकेंड पार्ट है ये. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें क्योंकि वो बेसिक है. अब मैं बात करूँगा सी के रिलेशन में टोकन्स क्या होता है. जो मैं सी के सिम्बो उसमें मैंने दिखाया था फर्स्ट पार्ट में, वो देखो कहते हैं इसको टोकन. टोकन होता क्या है उसको समझो अच्छे से. देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अनेक छोटे छोटे यूनिट का प्रयोग करते हैं हम लोग ना, छोटे छोटे यूनिट मतलब क्या, जैसे कीवर्ड, कॉन्स्टेंट, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग टोकन. ठीक है, टोकन मतलब ये समझ सकते हो ना कि अगर कुछ आपको सामान लेना है तो आप बैंक में जाते हो, SBI बैंक में अक्सर होता है ना, आपको टोकन मिल गया, उस काउंटर पर जाओ. मतलब जिसका जहाँ पे काम होगा काउंटर पे जितना नंबर रहेगा जिस टाइम पर उसी टाइम पर वो काम करता है ना, इसको बोलते हैं हम टोकन. इसको कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अनेक छोटे छोटे यूनिट्स का प्रयोग करते हैं उन्हें हम टोकन कहते हैं. ये चार टाइप के होते हैं. पहला होता है कीवर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं कीवर्ड. ये कीवर्ड क्या है, फर्स्ट लेसन मैंने बस इसको छोड़ दिया था यहाँ पर कि कीवर्ड क्या होता है कि मैं इसको इसमें बताऊँगा. देखो प्रत्येक लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस होते हैं जिसका विशेष अर्थ होता है. जैसे क्या, ब्रेक. पहले तो इसको बोलते हैं लोग ब्रेक. इसका क्या अर्थ है वो मैं बताता हूँ. ब्रेक है, केस है, और केस के बाद है कैरेक्टर फॉर्मेट, जिसे कैर बोलते हैं हम लोग. कॉन्टिन्यू, यहाँ पे कॉन्टिन्यू लिख सकते हैं. इसके बाद डू, गो टू, इफ, INT इसे कहते हैं हम लोग, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, इनका एक विशेष महत्व होता है. तो अब इतना समझना कि कीवर्ड प्रत्येक लैंग्वेज में कुछ विशेष सेंटेंस होते हैं, मतलब इनका कुछ अलग मतलब होता है. ब्रेक का कुछ मतलब होता है. ये जो प्रोग्राम ये वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सी लैंग्वेज में प्री डिफाइन होते हैं. ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें, इसमें टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं और ये सिस्टम में ना प्री स्टोर होते हैं, इनका कुछ एक मतलब होता है. ठीक है, मैं प्रोग्राम जो बताऊंगा तो फ्लोट का यूज़ कैसे होता है वो मैं बता दूंगा, इंटीजर का यूज़ कैसे होगा, ब्रेक का, केस का, कैरेक्टर फॉर्मेट का, कंटिन्यू का यूज़ कहाँ होगा, गो टू का यूज़ कहाँ होगा, वो मैं पूरा पूरा डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, आप टेंशन मत लेना. इसके बाद कीवर्ड हो गया. नेक्स्ट टॉपिक होता है कॉन्स्टेंट क्या होता है, उसको समझो. कॉन्स्टेंट, देखो जी कांस्टेंट को समझना है तो बहुत आसान है कि क्या समझोगे कि वे कहते हैं इसको ना वे मान, मतलब कि ऐसा कुछ मान जिनका मान स्थिर रहता हो, जिनके मान को हम कहीं बदल नहीं सकते हैं. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिर मान, जैसे स्थिरांक भी हिंदी में बोलते हैं इस तरीके से. और एक और चीज़ इसमें कि कांस्टेंट का मान, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कि वे राशियाँ जिनका मान स्थिर रहता है इनके मान को हम कहीं नहीं बदल सकते हैं. ठीक है ना, इसका मतलब यही है. तो पहला होता है कहीं नहीं बदलने का मतलब, बदलने का मतलब से डिजिटल, पहली बात करेंगे हम डिजिटल, सॉरी हम बात करते हैं डिजिटल. ये डिजिटल क्या होता है जी, वो जो समझो डिजिटल कॉन्स्टेंट की हम बात करेंगे. कॉन्स्टेंट, जब हम डिजिटल कॉन्स्टेंट की बात करेंगे तब हम बात करेंगे नंबर की बात करेंगे. जैसे हमने लिख दिया कोई नंबर 52, ठीक है, और माइनस कोई नंबर ऐसे लगा दिया माइनस 15, ठीक है, और 2016 लिख दिया, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट, स्थिरांक जिनका मान कहीं चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिख दिया जाए 4.5, ठीक है, ये चीज़, और इसको ये लिख दिया जाए -9.05, इस तरीके से अगर लिख दिया जाए, ठीक है ना, 8.05, तो ये क्या होता है जो मान चेंज नहीं होता है. अगर एक और चीज़ होता है कॉन्स्टेंट, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. देखो जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है ना, इसका अर्थ ही हो जाएगा अल्फाबेट से रिलेटेड होता है. डिजिटल का अर्थ होता है नंबर से और स्ट्रिंग का अर्थ होता है अल्फाबेट से. इसके अंतर्गत क्या आता है वो देख लो. इसके अंतर्गत आता है जो स्मॉल ए आता है, इसका अलग मतलब होता है,
और कैपिटल ए जो आता है इसका अलग मतलब होता है। एक बात ख्याल रखिएगा, अगर ये कांस्टेंट इसमें यानी सिंगल कोट में लिखा जाए, अगर 5 लिख दिया जाए तो कांस्टेंट में आएगा, और इसके साथ सिंगल कोट में आप लिख दो कोई वर्ड, कोई किसी का नाम, मान लीजिए आर्या, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, आपने ये जाना कि कांस्टेंट क्या होता है। एक बार फिर समझो, देखो कीवर्ड का अर्थ ये हो जाता है कि कीवर्ड हम बोलते हैं प्रत्येक प्रोग्राम में, प्रत्येक लैंग्वेज में कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनका मान उस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में प्रीडिफाइन होता है। जैसे इसमें ब्रेक है, केस है, कैर है, वो आगे हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का अर्थ ही हो जाएगा कि वे ऐसी वैल्यू जिनका मान स्थिर हो और जिनके मान को हम कहीं नहीं बदल सकते। जैसे अगर हम डिजिटल कॉन्स्टेंट की बात करें नंबर की, यहाँ पे कोई नंबर है 52-15, 2016-455-8505, ठीक है। और स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग की हम जब बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, यानी जो सिंगल कोड में जो आपको दिख रहा है सिंगल कोड, सिंगल कोड में जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट होता है यहाँ पर कुछ और चीज़, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर क्या होता है वो समझना ध्यान से। एक होता है ऑपरेटर, मैं पहले इसको ऑपरेटर दिखा दूँ होता क्या। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2+5, तो देखो जी यहाँ पर किसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, किसको ऑपरेंड बोलते हैं, समझना ध्यान से। ये 2 होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड, क्या बोलते हैं ऑपरेंड, OPRAND, ऑपरेंड बोलते हैं। और जो बीच वाला जो होता है ना, ये जो प्लस बोलते हैं ऑपरेटर, जैसे गाड़ी आप देखते हो कोई बंदा चलाता है, ठीक है, तो बीच में जो ड्राइवर होता है वो ऑपरेट करता है, ठीक है। ठीक है, इसका जो ड्राइवर मेन है ना वो प्लस है, यानी इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। वैल्यू को बोलेंगे हम ऑपरेंड, और जो बीच में होगा उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखो नेक्स्ट होता है यहाँ पर, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लेना, मैं इसको इरेज करता हूँ। फिर मैं इसमें ऑपरेटर को आपको समझा दूंगा कि ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि ऑपरेटर से पूरा आपको यूज करना है। तो देखो ऑपरेटर, ऑपरेटर को समझना हो तो बहुत ही आसान तरीके से समझना, मैंने बता भी दिया आपको। पहला होता है इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, तो बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको इसमें क्या क्या आता है वो हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें होता है रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, यानी संबंध की बात करेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 2। इसके बाद ऑपरेटर हो गया, और नंबर 3 जो होता है इसमें होता है लॉजिकल, यानी लॉजिक बेस फिट किया जाए, अगर कुछ ट्रू फॉल्स की बात करेंगे हम, ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। नंबर 4 लॉजिकल की बात, हम बात करेंगे असाइनमेंट, कुछ वैल्यू को असाइन किया जाता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे ऑपरेटर। और 5 नंबर की हम बात करें तो एक होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये दरअसल होता है क्या, इसको समझ लेना, ये कोई वैल्यू रिपीटिव फॉर्म में, अगर हमें जैसे टेबल कोई बना रहे हैं, टेबल का प्रोग्राम, नंबर बना रहे हैं, तो उन चीज़ों में हम क्या करते हैं, वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी वैल्यू को बढ़ाना और वैल्यू को घटाना, ठीक है, इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एक होता है कंडीशनल, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर, सॉरी। और लास्ट होता है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, तो इसको भी हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे कि बिटवाइज होता क्या है, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये तरीका है, क्योंकि हम बात करते हैं टोकन की, तो टोकन में तीसरा ऑप्शन था ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के बारे में पूरा पूरा आपको डिस्कस करा के दिखाऊंगा, क्योंकि
ऑपरेटर को समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर में क्या करते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है प्लस, ठीक है, इसमें प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इनटू का सिंबल भी आएगा इसी में, है ना, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिकल का जो सिंबल होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद देखो रिलेशनल की हम बात करें ना, तो रिलेशनल में ये आता है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, नॉट, और ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। डबल इज इक्वल टू कहते हैं ना, इक्वल इक्वल टू, दो चीज़ों के बारे में आपको जानना है, रिलेशन तो आप जान सकते हो। और लॉजिकल की बात करें हम, तो लॉजिकल में क्या होता है, फिट करना होता है कि ये बंदा सही, मतलब कि एंड और नॉट की बात करेंगे हम, ठीक है, डबल एंड की बात करें हम, तो हम इनकी बात करेंगे एंड और एक होता है नॉट, ठीक है, इसको पूरा पूरा डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आपको इतना ऑपरेटर जानना है, और लास्ट में बता देता हूँ एक और ऑप्शन होता है, मैं ऑपरेटर को पूरा डिस्कस करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। एक और ऑप्शन होता है, मैं इसको दिखा देता हूँ, और आप इसको देख लो अच्छे से। और नेक्स्ट होता है वेरिएबल, यानी चौथा पॉइंट, अगर चौथे पॉइंट की हम बात करें तो चौथा पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल, नंबर फोर्थ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है उसको समझ लो, जिसका मान प्रत्येक प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के दौरान समय समय पर जो कमांड हम दें वो चेंज हो जाए, ठीक है। मतलब क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में अपर केस लेटर तथा लोअर केस लेटर का जो मीनिंग होता है अलग अलग माना जाता है, यह एक आइडेंटिफायर होता है। मतलब क्या है इसका समझ लो फिर से एक बार, कि वेरिएबल का अर्थ ये हो जाता है कि जिसका मान प्रोग्राम जब हम एक्सिक्यूट करें तो उस टाइम जो उसका हम जो कमांड देते हैं ना वो चेंज होता रहे, चेंज होता रहे। और इसके अंतर्गत क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर आता है INT वैल्यू, जैसे अगर INT वैल्यू की बात करें हम, तो INT वैल्यू ही रहा, और इसमें क्या होगा, ये क्या चीज़ को डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर एन इंटीजर वैल्यू, मैंने पहले बताया था इंटीजर वैल्यू। और दूसरा होता है यहाँ पर फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट क्या होता है उसको समझो अच्छे से। फ्लोट यानी परसेंटेज की बात करेंगे हम, ठीक है, तो परसेंटेज मतलब क्या, डिक्लेयर एंड फ्लोट वेरिएबल परसेंटेज, इसको कह सकते हैं आप डिक्लेयर एंड फ्लोट वेरिएबल परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है। और एक और चीज़ होता है यहाँ पे कहते हैं कैर फॉर्मेट, ठीक है ना, कैर ऑप्शन, ठीक है, इसको अगर समझाना हो तो ये डिक्लेयर करता है किसी को, डिक्लेयर कैरेक्टर वेरिएबल ऑप्शन, वेरिएबल ऑप्शन, इस चीज़ को ये डिक्लेयर करता है, ओके। चलो ये वीडियो बढ़ाना हो जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा रखूँगा, और नेक्स्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, उसमें मैं डिस्कस करूँगा ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, थैंक्स।